आवर्स 14 मिनट्स लेट चल रहा है। हम लोग जितना ज़्यादा स्टेशन क्रॉस करें उतना ही प्राइस हाई हो रहा है खाने का। अभी हम लोग का गाड़ी आ चुका है और अभी हम लोग जाएंगे शायन को पिक करने, उसके बाद निकलेंगे शालीमार स्टेशन के लिए। अभी हम लोग पानी का बॉटल ले लिया और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 15-20 मिनट है। अभी तो हम लोग स्टेशन के बाहर ही है, यहाँ पे है स्टेशन का गेट। यहाँ पे ट्रेन का नंबर, नाम और टाइमिंग दिया हुआ है। हम लोग के ट्रेन का टाइमिंग है 11:25। ये रहा हम लोग का ट्रेन शालीमार टू वास्को डा गामा, और ये है हम लोग का बॉगी। यहाँ पे अपर बर्थ का 2 सीट और मिडिल बर्थ का 2 सीट हम लोग का है, और इधर एक मिरर है। अभी तो सबको यहाँ पे बैठे हैं, ट्रेन छोड़ने का वेट कर रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:25 और हम लोग का ट्रेन तो अभी एग्जैक्ट टाइम पे छोड़ दिया है। ये रहा हम लोग का डिनर, हम लोग पहले से ही ऑर्डर कर लिए थे, चिकन भरता, रुमाली रोटी। अभी डिनर ख़त्म करके हम लोग रेस्ट करते हैं, उसके बाद आप लोग से मैं कल बात करती हूँ। कल रात को आप लोग को अच्छे से दिखा नहीं पाई थी हम लोग का सीट, सो ये रहा हम लोग का सीट यहाँ पे। अभी तो ऊपर भाई और शायन सो रहा है, और यहाँ पे हम लोग को बहुत कुछ मिला है, ब्लैंकेट, पिलो, और ऊपर वाला पिलो मैं लेके आई हूँ। सो ओवरऑल तो अच्छा लगा, ये यहाँ पे बेडशीट एंड चादर भी दिया हुआ है। ये उतरा था और ट्रेन छोड़ दिया। अगर मैं नहीं रहता तो गए। पलासा रेलवे स्टेशन है ये, बहुत क्लीन है ये स्टेशन। वाओ, ये व्यू देखिए आप लोग, ये पलासा रेलवे स्टेशन क्रॉस करके ही है। सो अभी नेक्स्ट स्टेशन है नावपाड़ा जंक्शन, इसीलिए ट्रेन अभी स्लो चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे समोसा लिए है, 7 पीस है, 30 रुपीस, बहुत ही टेस्टी है। समोसा कैसा है? तो अभी हम लोग चिपुड़पल्ली नाम के एक स्टेशन पे रुका हुआ है, इधर हॉल्ट नहीं है पर ट्रेन रुका है, बहुत देर से रुका हुआ है, तो थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए निकल गए। और यहाँ पे है अनन्या, बहुत गर्मी है यहाँ पे, जगह का नाम भी नहीं पता है। अरे चिपुड़पल्ली बोल दिया मैंने, क्या चिपुड़पल्ली? चिपुड़पल्ली बहुत यूनिक नेम है, इस साउथ का ना पूरा यूनिक नेम है, प्रोनाउंस भी नहीं आता है। ठंडा थोड़ा नहा लो इधर उठ के। अभी हम लोग का लंच आ गया है, यहाँ पे ये है चिकन थाली, और यहाँ पे इसका हालात देखो, लड़की लोग का तो पता ही है आप लोग को, ट्रेन में बैठ के भी मेकअप चलो, वाओ। अभी नेक्स्ट ये ट्रेन रुके है विजयनगरम स्टेशन पर, थोड़ा निकले हैं, थोड़ा फोटोज क्लिक करेंगे। तो अभी विशाखापट्टनम पहुंच गए हम लोग, इस दुकान से हम लोग ये सब लिए है, थोड़ा स्नैक्स वगैरह, और मैं ये पल्पी ऑरेंज ली हूँ, ठंडा थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए। आप लोग को यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स मिलेगा, जैसे कि ये शॉप है, और यहाँ पे ये भैया थाली सेल कर रहे हैं,
यहाँ पे आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का थाली मिल जाएगा। यहाँ पे इडली वड़ा ये सब मिल रहा है, हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे ये है समोसा, इडली वड़ा, थैंक यू। सो मैं ये मिक्स करके ली हूँ, एक समोसा, एक वड़ा और एक इडली। कैसा है? ये जो साउथ इंडियन वड़ा मैं ट्राई की हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। और ये इडली तो मस्त था, खा के मज़ा ही आ गया था पूरा। सो अभी हम लोग राजामुंड्री स्टेशन पर पहुँचे हैं, ट्रेन अभी 2 घंटा लेट चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। यहाँ पे पहुँचने का टाइमिंग था 3:30, अभी है 5:30। नेक्स्ट स्टेशन है ताड़े पल्लीगुड़म, यहाँ पे पहुँचने का टाइमिंग है 4:04। एक्चुअली पहुँचने का टाइमिंग था 4:04, बट पहुँचने में अभी 6:18 होगा। ट्रेन पूरा 2 hours 14 minutes लेट चल रहा है। अभी हम लोग पहुँच गए ताड़े पल्लीगुड़म स्टेशन पे। हम लोग का खाना पूरा ठंडा हो गया है, खाने का भी मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे स्टेशन में जो टेस्टी टेस्टी खाना मिल रहा है, हम लोग वही खरीद के खा रहे हैं, और ये सब खाना वेस्ट हो रहा है, इसीलिए अभी बैठे हैं, खाना खा के उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। अभी हम लोग पहुँचे हैं विजयवाड़ा स्टेशन पे। यहाँ पे तो पहुँचने का टाइमिंग था 6:30, बट अभी टाइम हो रहा है 8:20, बहुत ही लेट चल रहा है हम लोग का ट्रेन। मम्मी ये विजयवाड़ा स्टेशन से ये टीम टोस्ट लिए है। अभी टाइम हो रहा है 9:42 और हम लोग पहुँचे हैं गुंटूर जंक्शन। इधर एक चीज़ बहुत अच्छा है कि इधर कॉफ़ी चाय वगैरह का प्राइस बहुत सस्ता है, 10 रुपया में कॉफ़ी चाय मिल रहा है। हम लोग के कोलकाता का साइड में कॉफ़ी 15-20 ले लेते हैं, हम लोग को शायद पता है। इधर 10 रुपया में बोट तो बहुत अच्छा है, मज़ा लेता हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो अभी 8 बज रहा है और बाहर का सीनरी देखिए आप लोग एक बार। सो अभी हम लोग कोप्पल स्टेशन क्रॉस किए हैं, और भी 7-8 स्टेशन है, उसके बाद मडगांव जंक्शन है, हम लोग वहीं पे उतरेंगे। नेक्स्ट स्टेशन है गड़क जंक्शन, यहाँ पे पहुँचने का टाइमिंग था 7:38, बट अभी पहुंचने में टाइम लगेगा 8:36। कल तो ट्रेन 2 घंटा डिले चल रहा था, बट अभी थोड़ा रिकवर करके अभी 1 आवर लेट चल रहा है, देखते हैं पहुंचने में कितना टाइम लगता है। गरम गरम समोसा समोसा। सो हम लोग अभी लिए हैं 2 प्लेट समोसा और 2 कॉफ़ी। यहाँ पे एक प्लेट में 3 पीस है, ये लिया है 40 रुपीज़, और कॉफ़ी तो आप लोग को पहले ही बता दी हूँ कि 10 रुपीज़ है हर जगह पे। अभी सुबह का ब्रेकफास्ट हम लोग का यही है। यहाँ पे ये शॉप मिला है हम लोग को, यहाँ पे है वड़ा और समोसा, चटनी नहीं, चटनी नहीं। सो यहाँ पे है 2 समोसा। हम लोग जितना स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं उतना ही प्राइस ज़्यादा हो रहा है। अभी 2 पीस मिल रहा है 30 रुपीज़ में। हम लोग जितना ज़्यादा स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं उतना ही प्राइस हाई हो रहा है खाने का, क्योंकि कल हम लोग जब समोसा लिए थे 7 पीस मिल रहा था 30 रुपीज़ में, अभी सुबह हम लोग लिए 30 रुपीज़ में 3 पीस, अभी हम लोग को जो समोसा मिला है वो 30 रुपीज़ में 2 पीस। यहाँ पे है बिरयानी, वड़ा, इडली,
चाय कॉफी बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। अभी तो ये बैठ के टाइम पास कर रहा है फ़ोन लेके, हमेशा सिर्फ इसको फ़ोन चाहिए और कुछ नहीं, बस फ़ोन दे दो इसको। बाहर इतना सुंदर व्यू है, ये एंजॉय करो। तुम फोन पे घुसे हो। मुझे इस ट्रेन में एक चीज़ बहुत ही अच्छा लगा, वो है कि यहाँ पे एक दिन में 5 to 6 times वो लोग क्लीन करने आ रहे हैं, पूरा वेस्टेज सब कुछ क्लीन करके लेके जा रहे हैं, उसके बाद नॉर्मली फिनाइल विनाइल दे के वो लोग पूरा क्लीन कर रहा है बॉगी, जो कि बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़। तो अभी हम लोग का लंच आ चुका है। आज हम लोग लंच में लिए है एग बिरयानी और चिकन बिरयानी। आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ, कलर देखिए। बट अभी मेन पॉइंट है, अभी टेस्ट कैसा है देखते हैं। पहले मैं राइस टेस्ट करके देखती हूँ, कलर बहुत अच्छा है और फ्रेगनेंस जो आ रहा है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। नॉट बैड। यहाँ पे धनिया पत्ता दिया है एक के ऊपर और यहाँ पे एक ग्रेवी है। सलाद भी मिल जाता तो अच्छा होता। अभी मैं एक बार चिकन वाला ओपन करके देखती हूँ। वाओ, चिकन का स्मेल बहुत सही आ रहा है। ये जो पीस है पूरा सॉलिड पीस है और कबाब का पीस है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक बार ग्रेवी के साथ मैं राइस ट्राई करके देखती हूँ। चिकन वाला बहुत अच्छा है क्योंकि वो नॉर्मली प्लेन एक है, वहाँ पे ग्रेवी नहीं है। चिकन के साथ ये जो ग्रेवी मिला है बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्ट है। एक बार चिकन पीस ट्राई करके देखती हूँ। चिकन बहुत सॉफ्ट है, अच्छा है। अभी बारिश स्टार्ट हो चुका है, पता नहीं हम लोग का ट्रिप कैसा जाएगा। अभी से ही बारिश चालू। अभी हम लोग कैसल रॉक स्टेशन पे रुके हैं, यहाँ पे 5 minutes का हॉल्ट है। इसके नेक्स्ट स्टेशन ही है दूधसागर वाटरफॉल्स का जो स्टेशन है, दूधसागर ही जंक्शन है उसका, वहाँ पर भी 2-5 minutes रुकेगा। तो वहाँ पर आप लोग को दिखाऊंगा दूधसागर फॉल्स का व्यू। सामने टनल है, हम लोग अंदर जा रहे हैं। साइड से हम लोग का ट्रेन जा रहा है। वाओ, ये है सेकंड टनल। अभी हम लोग 4 टनल क्रॉस किए हैं। सामने देखते हैं और क्या क्या इंटरेस्टिंग है। अभी ये लोग गेम खेल रहे हैं ट्रम्प कार्ड, मम्मी और शायन। हाइट आंसर दिखाओ। ड्रैगन बॉल हाइट 8'4". हाँ, हाइट 7'6". हाइट 7'6".
86 में। हाँ अभी तक इन लोग का मैच चल रहा है और बाहर मैं ये सीनरी एंजॉय कर रही हूँ। अगला स्टेशन मडगांव है, वहाँ पे हम लोग को उतरना है, इसलिए लगेज सब पैक किया हुआ है। हाँ लगेज सब हम लोग पूरा रेडी करके रखे हैं, बस अभी इंतजार है पहुँचने का। सो अभी अभी हम लोग मडगांव स्टेशन उतरे हैं, अभी बाहर निकलेंगे। हम लोग का होटल का बुकिंग था बट वहाँ से कॉल आया है कि बारिश के वजह से कुछ हुआ है, इसीलिए बुकिंग कैंसिल है। सो हम लोग को अभी जाके न्यू होटल बुक करना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है, आप लोग को भी इन्फॉर्म करती हूँ। स्टेशन के बाहर ये सब टैक्सी का पूरा लाइन लगा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे एक प्रीपेड टैक्सी काउंटर है, यहाँ से आप लोग टिकट काट के उसके बाद डायरेक्टली टैक्सी ले सकते हो। हम लोग तो यहीं से टिकट काट रहे हैं अभी, उसके बाद डायरेक्टली चलेंगे कोलकाता बीच के वहाँ पे। सो हम लोग को ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा, 2 मिनट में हो चुका है हम लोग का टिकट बुकिंग टैक्सी का। अभी हम लोग चल रहे हैं। उफ यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आसपास देखिए, स्टेशन के बाहर इतना पूरा क्लीन है। हम लोग के वहाँ पे कोलकाता में जो है स्टेशन के बाहर पूरा कचरा फैला हुआ है, क्योंकि हम लोग खुद साफ नहीं रखते हैं हम लोग के सिटी को। हम लोग अभी पहुँचे विलियम्स बीच रिट्रीट, यहाँ पे जाके देखते हैं होटल्स का रेंट कितना है।